नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी। आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नीट का एग्जाम हो चुका है, काफी स्टूडेंटों ने अपना स्कोर देखा, काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन उनको लग रहा है कि अभी अपन इंडिया से MBBS नहीं कर सकते। स्टूडेंट मैक्सिमम आउट ऑफ इंडिया एब्रॉड की तरफ मूव ऑन हो रहा है, और अभी जो आउट ऑफ इंडिया जाने का जो पॉइंट है बिल्कुल चरम पर है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब आपने आउट ऑफ इंडिया जाने का सोच ही लिया है, तो सबसे फर्स्ट यह कि आप एक अच्छे कंसल्टेंट से मिलें, क्योंकि आपका कंसल्टेंट से मिलने का उद्देश्य ये नहीं कि वो आपका एडमिशन कराए, क्योंकि आपको जिस भी कंट्री में जा रहे हो रेस्पेक्टेबल, उसमें 5 से 5.5-6 साल तक आपको रहना पड़ेगा, और अगले 5 से 6 साल के लिए वही आपका पेरेंट्स है। तो अगर आप अच्छे हाथों में अच्छे आदमी से जुड़ोगे, तो आपके उससे परिवार की तरह संबंध हो जाएंगे। और दोस्तों, अभी आप समझ रहे हो 5G का जमाना आ गया, हर चीज सोशल मीडिया पे है। आप सोशल मीडिया के साथ साथ आप ग्राउंड रिपोर्ट भी लें, तब जाके अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना पैसा और अपना भविष्य उस इंसान के हाथ में सौंपें। कुछ लोग मैं देख रहा हूँ मार्केट में, वो बिल्कुल भी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, उनका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है पैसा कमाना। दोस्तों, पैसा कमाना कोई खराब बात नहीं है, हर आदमी पैसा ही कमाने के लिए लगा हुआ है, लेकिन पैसे कमाने के साथ साथ जो आपसे प्रॉमिस किए जाएं, आपकी टेक केयर किए जाए, आपसे जो वादे किए जाएं, वो पूरी ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए। पैसा तो कोई भी कमाता, लेकिन पैसे कमाने के साथ साथ अगर कोई आदमी 2% इज्जत भी कमाए तो वो अच्छा रहे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि हर किसी की बातों में ना आए। लगभग 70-80% लोग इसमें अनऑफिशियली काम कर रहे हैं। आपने सुना होगा, उसने उसकी फीस ले ली, उसने फीस कॉलेज में जमा ही नहीं कराई, 2 साल से फीस ड्यू है, उसके पैसे खा गया, ये हो गया, वो हो गया, आए दिन इस तरीके के बहुत केसेज आ रहे हैं। और उनके चक्कर में जो हमारे जैसे सीधे साधे लोग जो अपनी ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, उनके ऊपर भी उंगलियां उठना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, बस मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था, अपने लेवल पर होमवर्क करें, ग्राउंड रिपोर्ट लें, और हर किसी को मुंह उठा के यानी डॉक्यूमेंट्स दे दिए, 25-30 लाख रुपए दे दिए, कल को वो आपका फोन नहीं उठा रहा, क्योंकि विदेश में अगर आपका कोई पेरेंट्स है तो आपका कंसल्टेंट ही है। तो दोस्तों, आप बड़े ही सावधानी पूर्वक एडमिशन का प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। इसके अलावा दोस्तों, आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको प्रोसेस करना होगा, कैसे आपको ये डिसीजन लेना होगा। अगर अभी तक आप मेरे साथ नहीं जुड़े, जुड़िएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।